बाद एक वीडियो में सरप्राइज है, जो सरप्राइज मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो फाइनली आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी ये एक खुशी की बात है। इधर भाई सीन ही होता है ना भाई, कहीं ना कहीं हर जगह पे आपको गाड़ियां वगैरह मिलती रहेंगी, तो भाई इसमें होता है ना आउट ऑफ कंट्रोल, कभी कभी हमारी गाड़ी हो जाती है, तो भाई ऐसे में कहो ना सीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कहाँ जा रहे थे? अच्छा अच्छा चलो बोलो। और भाई सबसे बड़ा जो सरप्राइज मैं देने वाला, तो अभी भाई दो चार दिन में हो सकता है, मैं इसीलिए जा रहा हूँ वहाँ पे अपने घर पे। तो भाई मैं बता दूँ, देखो भाई कभी कभी मेरे को बुरा लगता है कि वो भाई जो अपने बंदे होते हैं ना, जो अपने खास यानी कि जो हमारे साथ में हर टाइम पे रहते हैं ना, वही बंदे मेरी वीडियो को नहीं देखते हैं और फटाफट से आपसे लोगों से मिलते हैं। क्योंकि भाई मेरे आगे भी काफी बंदे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई तो वापस आ जाओ, क्योंकि भाई एकदम से ऐसा होता ना कि भाई आप जिस जगह प्लेस पर रहते हो ना, तो वो एकदम से अगर रास्ता छूट जाता ना, तो थोड़ा बुरा लगता है वहाँ के बंदों को भी। हे गाइस वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो भाई आज मैं बता दूं कि आज वाला ब्लॉग आपके लिए थोड़ा सा करने जा रहा हूँ एंटरटेनमेंट। तो फाइनली मैं बता दूं कि भाई अभी मेरा सामान है, पूरा लगेज है मैंने पैक कर लिया ऑलरेडी, मैं बता दूं। और भाई मेरा सीन जो है निकलने का, वो मैं सोच रहा हूं, क्योंकि भाई अभी मुरादाबाद से मैं आ गया था भाई, तो मुरादाबाद के बाद में मैंने सोचा क्यों ना भाई अभी दो दिन के लिए मैं थोड़ा घर पे हो लेता, उसके बाद में एक्चुअली में क्या है फाइनली मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, फिर से मेरे को जाना है उसी साइड में। तो भाई हम लोगों ने काफ़ी देर के बाद में ये सोचा था कि भाई हमारा सामान जो था ऑलरेडी मैंने जितना भी था पैक कर लिया था, अभी मेरे को करना है अभी यहाँ से भाई निकलना। तो अभी भाई ये वाला ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ भाई रामपुर हाईवे से, और यहाँ से भाई शुरू करने के बाद में फाइनली देखते हैं कि भाई कहाँ तक पहुँचते हैं और फटाफट से आपसे लोगों से मिलते हैं। क्योंकि भाई मेरे आगे भी काफ़ी बंदे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई तो वापस आ जाओ, क्योंकि भाई एकदम से ऐसा होता ना कि भाई आप जिस जगह प्लेस पर रहते हो ना, तो वो एकदम से अगर रास्ता छूट जाता ना, तो फिर बुरा लगता है वहाँ के बंदों को भी और अपने आप को भी बुरा लगता है कि भाई एकदम से ना आपने जितने मिलने वाले बंदे थे ना सारे बंदों को छोड़ दिया। तो भाई ये मेरे को नहीं करना है, फाइनली अभी क्या है ना भाई यहाँ से निकलेंगे और फटाफट से भाई पहुँचते हैं भाई आगे और फिर देखते हैं। और फाइनली मैं बता दूँ, एक वीडियो में सरप्राइज़ है, जो सरप्राइज़ मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो फाइनली आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी ये एक खुशी की बात है। तो अभी इस चीज़ को हम लोग शेयर नहीं करने वाले हैं, वीडियो के लास्ट में शेयर करेंगे। और वही बता दूं कि वीडियो करना बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड फाइनली जो बंदे मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ भाई मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करके हमें जरूर बताओ कि आपको हमारा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। तो चलते हैं फटाफट से अपने रूट की तरफ। ताऊ कहाँ जा रहे थे? अच्छा अच्छा चलो बोलो। भाई क्या है ना कि काफ़ी इंतज़ार के बाद में मैंने सोचा क्यों ना भाई लोगों को अपने ना एक छोटा सा सरप्राइज़ दे दूं। तो भाई सरप्राइज़ जो है छोटा नहीं है, सरप्राइज़ तो भाई मैं देखूं तो भाई बहुत बड़ा है, और आप लोगों के सपोर्ट से भाई जो भी होगा वो आप लोगों के सपोर्ट से ही होने वाला है। तो भाई अभी क्या है ना भाई, देखो बहुत समय से मैं सोच रहा था कि भाई सरप्राइज़ दूँ तो क्या दूँ। तो फाइनली मैंने डिमांड पे, लोगों की डिमांड पे ना एक छोटा सा क्लू अलग रखा है, जिसकी वजह से मैं बता दूं कि भाई बहुत ज़्यादा वीडियो में एंटरटेनमेंट आएगा और आप लोगों को भी थोड़ी सी खुशी, नहीं भाई मेरे को जब इतनी खुशी मिल रही तो आप लोगों को कितनी ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। तो भाई मैं बता दूँ कि ना वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना। तो भाई अभी हम ना है रामपुर से भाई निकल चुके हैं, जो हम लोगों के डाइवर्सन वगैरह लगे हुए थे, तो उस रोड से हम लोग ना डाइवर्स लेते हुए और भाई सीधे निकलेंगे इधर से बरेली के लिए, और बरेली होते हुए भाई सीधे पहुंच जाएंगे अपने मार्केट में यानी कि अपने घर की तरफ। तो भाई मैं बता दूं, देखो भाई पैसे तो परमानेंटली मेरे को मिनिमम आप मान के चलो कि 10 दिन ऑलरेडी अभी हो चुके हैं कि घर से बाहर, लेकिन भाई मैं बता दूं कि सीन क्या है भाई, सीन ये है कि भाई वहाँ के बंदे हैं, अपने मिलने वाले भाई लोग हैं, तो उन लोगों ने बोला कि भाई ऐसा ना कि एकदम से आप चले जाओगे तो यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, तो भाई उनकी डिमांड के लिए भाई थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसा ना एकदम से अच्छा नहीं लगता। तो भाई आज ना थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई इसको ना थोड़ा सा रॉकेट बनाते हैं हम लोग,
क्योंकि भाई बहुत दिन हो चुके हैं इसको रॉकेट नहीं बनाया मेरे को। हालांकि तो मैं हर वीडियो में बना के देखता हूँ, लेकिन भाई कुछ वीडियो में मैंने नहीं बना पाया था, क्योंकि आपको पता है भाई देखो राइड क्या होता है ना, जब इंटरसिटी हम लोग करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मेरे को। लेकिन भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम का ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि भाई सीन क्या है, सीन ये है भाई यहाँ पर सीधा रोड है और भाई कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा ना बाइक को थ्रोटल देते हैं और थ्रोटल देने के बाद में बॉडी को चेक करते हैं भाई इसकी बॉडी मतलब किस हिसाब से अपना एंगल को चेंज करती है। तो भाई बने रही है ना वीडियो में। तो भाई अभी देखो फिफ्थ गियर में हमारी ना इधर भाई सीन ही होता है ना कहीं हर जगह पे आपको गाड़ियाँ वगैरह मिलती रहेंगी, तो भाई इसमें होता है ना आउट ऑफ कंट्रोल कभी कभी हमारी गाड़ी हो जाती है। तो भाई ऐसे में क्या होना सीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है और हम लोगों को एक्सीडेंटल के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो अभी चेक करो, अभी देखो फिफ्थ गियर की में ना गाड़ी चल रही है, 120 को क्रॉस कर लिया है ऑलरेडी। और मैं बता दूं कि देखो भाई सीन क्या है, सीन ये है फटाफट से अभी इसको ना चेक करते हैं। पहले तो फिफ्थ गियर की स्पीड को चेक करते हैं, मैंने चेक किया था 140 बनता था, मेरी गाड़ी आगे नहीं जा रही थी भाई। जब मैंने सिक्स गियर को इंस्टॉल किया था ना, तो भाई सीन क्या हो गया था, सीन ये हो गया था भाई कि कुछ भी इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं आया भाई। तो भाई अभी देखो फिफ्थ गियर में मैं गाड़ी को ना कर रहा हूँ लॉन्च, अभी मेरे को ट्रैक लग रहा है बिल्कुल खाली। तो अभी मैं थोड़ा सा थ्रोटल को लॉन्च करता हूँ भाई, फिर देखता हूँ कि आगे का सीन क्या है। और आपको पता है भाई धूप का फोकस थोड़ा सा चेंज है, तो भाई बता दूँ प्लीज़ यार मेंटेन कर रहे ना। बट भाई मैं बता दूँ देखो 135 की स्पीड में ना ऑलरेडी मेरी गाड़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर रहा हूँ भाई, बाइक को इतना मेंटेन करने की पूरी कोशिश में लगा हूँ भाई। और अभी बाइक देखो 137 138 भाई, कोई अगर सवारी बीच में नहीं आएगी ना तो हो सकता है कि मेरी गाड़ी ना पहुंच जाए। ये देखो भाई, भाई जरा सा भी अगर हम लोग अपने एक्सीलेटर को कवर करते हैं ना, तो भाई ऑटोमेटिक हमारी बाइक की ना स्पीड नीचे डाउन हो जाती है और स्पीड डाउन बहुत जल्दी हो जाती है भाई। इतनी जल्दी ना स्पीड में नहीं पहुंचती बाइक, इतनी जल्दी हमारी बाइक ना डाउन हो जाती है। तो भाई ये चेक करो गाइस, ये वाला चेक करो, जो राउंडेबल रोड है ना ये बहुत ही प्यारा लगता है मेरे को। और भाई इसमें क्या होता है ना, मैं बता दूं जैसे ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं ना, तो भाई क्या करना हल्का हल्का पीछे वाले ब्रेक को ना टैप करके रखना है, जिससे क्या होता है ना हमारी बाइक ना ऑटोमेटिक ज़्यादा फिसलती नहीं है, या फिर हम बात करें तो ज़्यादा इधर उधर नहीं भागेगी, बट हल्का सा ब्रेक ले लेकर हम लोगों को करना टैप करते रहना है एंड बाइक को अपनी टर्निंग पॉइंट पर फोल्ड कर देना है। और अभी मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि रोड मिल जाए, बट भाई ये कोशिश भी हमारी नाकाम रहेगी, क्योंकि आगे भाई बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है और गाड़ी निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है भाई। थोड़ा सा बाइक हमारी ना लो फ्यूल कर रही है, तो भाई अभी पहले ना थोड़ा सा ऐसा करते हैं फ्यूल डलवा लेते हैं, उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। और भाई अभी हम लोग आ चुके हैं फाइनली मिलक, और मिलक से भाई होते हुए फटाफट से निकल जाएंगे, क्योंकि भाई तो भाई मैं बता दूं देखो भाई कभी कभी मेरे को बुरा लगता है, क्योंकि भाई जो अपने बंदे होते हैं ना, जो अपने खास यानी कि जो हमारे साथ में हर टाइम पर रहते हैं ना, वही बंदे मेरी वीडियो को नहीं देखते हैं। और अगर बोल इसकी बात कर तो पता है क्या बोलते हैं, बोलते हैं भाई क्या ज़रूरत है, तू तो मेरे साथ में था, तूने मुझे बता दिया था ऐसा हुआ था वो हुआ था। भाई वो चीज़ अलग होती है, बट भाई वीडियो पे जो सपोर्ट मिलता है ना भाई, वो अपनों से ही मिलता है, ऐसा नहीं है बाहर के बंदे सपोर्ट करने को आते हैं। भाई पहले अपने घर के बंदे होते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं, उसके बाद में आगे वाला बंदा सामने आपने देखा होगा तभी बंदे वहाँ के सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई आप लोग ना यार भाई बहुत ज़्यादा प्यार दिया करो मेरे को, और ज़्यादा कुछ नहीं भाई वीडियो पे जो भी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, मैं ये नहीं बोलता भाई हर वीडियो को लाइक करो या कमेंट करो, भाई जो वीडियो आपको अच्छी लगती है ना वो वीडियो पे आप मेरे को ना कमेंट कर दिया करो प्यारा था। तो वो भाई रियल चीज़ क्या है, रियल चीज़ ये है भाई, आपने देखा होगा कभी कभी आप अपने व्हाट्सअप पे या फेसबुक पे या मानो तो इंस्टाग्राम पे जब स्टेटस लगाते हो ना, तो भाई देखने वाले बहुत से बंदे आ जाते हैं, जैसा कि आप मान के चलो कि आपके स्टोरी पे भाई कम से कम 1000 व्यूज आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन भाई सीन क्या होता है ना, सीन आपने देखा होगा भाई बहुत बहुत मान के चलो कि 100 से 150 बंदे जो होते हैं, तो वो लोग आके ना आपकी वीडियो पे कमेंट करते हैं या आपको इमोजी सेंड करते हैं या फिर हार्ट वाला इमोजी होता है, मतलब कुछ ऐसे टाइप से लाइक वाले कुछ आपको इस टाइप से इमोजी ना सेंड कर देते हैं। तो भाई ये क्या होता है, ये वो सीन है कि जैसा कि अगर माने तो भाई अपने बंदे होते हैं ना जो बहुत ही टाइम आपके लिए देगा, बहुत ज़्यादा टाइम देगा, वो आपको अपना टाइम दे के भाई उस पर वीडियो पे आके ना कमेंट करेगा। तो भाई ये चीज़ होती है बहुत अच्छी लगती है मेरे को। वैसे तो भाई देखो व्यूज आने का मतलब कुछ नहीं होता, बट भाई कमेंट क्या होता है, कमेंट इसलिए होता है कि भाई जो अपना बंदा है ना वो मेरे को कमेंट करता है, बाहर का बंदा जल्दी कमेंट नहीं करता, बाहर का बंदा वो जानता नहीं मेरे को, वो तो सिंपल सी बात है मेरे को नहीं जानता। अगर मेरे वीडियो से अच्छा लगेगा तो आके शायद हो सकता है लाइक कर दे, अगर बहुत ही आएगा भाई 100 में से 2-4 बंदे ऐसे आएंगे जो बाहर वाले बंदे आके ना कमेंट करेंगे।
तो भाई ये हमारा हो गया भाई मीरगंज, और मीरगंज से भाई सीधे हम लोग निकल जाएंगे भाई फतेहगंज पश्चिमी के लिए, और पश्चिमी फतेहगंज से भाई हम लोग सीधे, मैंने बताया था आपके लिए, उधर से निकल जाएंगे हम लोग सीधे अपनी मार्केट की तरफ। तो भाई इस ब्लॉग में भाई थोड़ा सा इंटरटेनमेंट मैं आपको दूंगा, तो भाई ऐसा भी नहीं है कि भाई नहीं दूंगा, तो क्योंकि आप लोग बोलोगे भाई कि नहीं पूरा वीडियो दिखा दिया उसके बाद में मेरे को कुछ भी सरप्राइज़ था वो नहीं बताया, तो भाई मैं बता दूँ, देखो सरप्राइज़ क्या है ना बहुत बड़ा है आपके लिए। तो ऑलमोस्ट भाई अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं भाई बरेली के पास में, तो भाई सीन में बता दो को भाई काफ़ी लोग बोल रहे थे मेरे को सरप्राइज़, तो हो सकता है भाई आप लोग सोच रहे हो कि भाई सरप्राइज़ के लिए बोला था, बट भाई सरप्राइज़ कोई ऐसा नहीं दिया था, इसकी वजह से मैं बता दूँ भाई थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगे। तो फाइनली मैं उनके लिए बता दूँ कि भाई सरप्राइज़ जो होने वाला, तो मेरे पास आपको पता है कि मेरे पास में मेरी गाड़ी है वो है मेरे पास में ड्यूक 250 ऑलरेडी मेरी पीछे लगी हुई है भाई, देख ही सकते हो आप लोग। और भाई सबसे बड़ा जो सरप्राइज़ मैं देने वाला, तो अभी भाई दो चार दिन में हो सकता है, मैं इसीलिए जा रहा हूँ वहाँ पे अपने घर पे, क्योंकि भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसको ना चेंज करके भाई मैं 250 सेल करके और 390 लेने की सोच रहा हूँ। तो भाई ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि भाई 390 का मेरे को कुछ ऐसे फीचर्स बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं जिनको भाई मैं दिल से बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। बट भाई मैं बता दूँ कि भाई सीन मेरे का था, सीन सबसे बड़ा ये था कि भाई हम लोगों ना अभी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम भी आ गई थी, क्योंकि भाई अभी मैंने यूट्यूब पे काम करना थोड़े दिन पहले बंद कर दिया था, जिसकी वजह से भाई अर्निंग भी थोड़ी सी डाउन हो गई थी। लेकिन बता दूँ कि भाई अभी प्रॉपर मैं पार्ट करूँ तो भाई प्रॉपर इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पा रही है मेरे को कि भाई मैं उससे अपनी बाइक का प्रॉपर जो है मेंटेन करके बाइक को एक्सचेंज कर सकूँ, क्योंकि भाई आपने देखा होगा बड़े यूट्यूबर क्या करते हैं भाई, सबसे बड़ी वो लोग ये करते हैं भाई उनके पास में एक बाइक होती है तो ऑलरेडी आपने देखा हो भाई हर मंथ में कोई ना कोई न्यू बाइक निकाल देते हैं। बट भाई मेरा ऐसा कोई सीन है ही नहीं भाई जो मैं बताऊँ कि भाई, बट भाई सीन क्या है, सीन मेरा ये 250 को सेल करके ऑलरेडी मेरे को क्या करना है कि 390 लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई BS4 जो मॉडल अभी न्यू वाला आया ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद लगता है, और मैं ना उसके जो हूँ आपके लिए प्रॉपर जब वहाँ पे जाऊँगा ना शोरूम पे, वहाँ पे जाके फुल क्या रिव्यू है ना फुल डिटेल वगैरह आपको ना प्रॉपर वीडियो में दे दूंगा। तो भाई ना जो बंदे मेरे चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भाई, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और भाई अभी चलते हैं फटाफट से मैं अपने रोड की तरफ। तो भाई फटाफट से क्या था भाई वीडियो में जो सरप्राइज था पहले आपको बता ही दिया था, एंड भाई अभी क्या करना है, अभी फटाफट से भाई निकल जाना है इधर से टोल से क्रॉसिंग करते हुए, क्योंकि भाई ऑलरेडी मैं टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी भाई, बता था ना फतेहगंज के आगे ये वाला टोल पड़ता, तो भाई सीन क्या है भाई फटाफट से इधर से डाइवर्सन लेके भाई हम लोग ना निकलेंगे, क्योंकि भाई टाइम जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है फिर अगर हम लोग ज़्यादा लेट करते हैं, भाई इतनी ज़्यादा टॉप स्पीड भी नहीं चला रहा ना भाई, नॉर्मल स्पीड में बाइक को लेकर चल रहा हूँ, कि भाई आप मान के चलो कि 100-120 की स्पीड ना इस बाइक के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि भाई अगर हम लोग बात करें तो भाई इसकी स्पीड कम से कम हम मान के चलो तो भाई ऐसा होना चाहिए कि भाई 130, 135, 140 भाई ये वाली स्पीड लेके चलूँ, तब भाई आप मान सकते हो कि भाई हाँ मैं बहुत स्पीड में लेके जा रहा था। बट भाई 100 की स्पीड को अगर हम लोग माने तो बहुत नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है। ये वाला व्यू में बता दूँ भाई, देखो धूप का फोकस थोड़ा सा ना चेंज है, जिसकी वजह से भाई क्या है ना थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ना ड्रॉप हो जाती है, और बट भाई वैसे तो भाई जो भी क्वालिटी होती है आपको पता है मैं धूप से रिलेटेड ही शूट करता हूँ, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है इसका फोकस जब चेंज हो जाता ना भाई तो सीन क्या होता ना भाई थोड़ा सा मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वहाँ पे कि भाई हाँ धूप का फोकस तो भाई वहाँ पे चेंज नहीं होना है। लेकिन भाई काफ़ी कुछ चीज़ें जो होती ना मैं उनसे रिलेटेड वीडियो को शूट करता हूँ कि भाई धूप का फोकस है ना चेंज ना होना चाहिए। अभी ये देखो भाई अपाचे वाले भैया से रेस हो गई हमारी, भैया के पास में है चीता और भाई हमारे पास में है भाई हमारी ड्यूक, और भाई अपाचे का तो भाई वैसे भी बहुत ज़्यादा नाम है भाई, क्योंकि माइलेज भी बढ़िया है, इंजन भी टिकाऊ है भाई TVS का, और अगर हम बात करें तो भाई बस जो कुछ रह जाता है ना भाई तो यही है कि भाई स्पीड देखनी पड़ती है मेरे को भाई। एक तो भाई हर जगह पर ना डाइवर्सन लगा हुआ है, इतने ज़्यादा मोड़ हैं भाई कि बता नहीं सकता मैं आपके लिए। देखो बिल्कुल बराबर में बाइक है हमारी, और ये क्या भाई मैंने 6 गियर इंस्टॉल कर दिया भाई, 6 गियर तो जबकि उसका कोई टाइम ही नहीं है पढ़ने का। ओहो भाई आगे वाले भाई व्हील में ना थोड़ी सी हवा कम है, जिसकी वजह से बता दूं मैं भाई बाइक ना मेरी थोड़ा सा डाइवर्सन जब हम लोग देते हैं ना तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है मेरे को। तो भाई चलो अब 4th गियर को कर दिया हमने इंस्टॉल, ये वाला रास्ता सीधे हमारा जाता है, और भाई सीधे जाके ना आगे जाके ना डाइवर्सन लग के फतेहगंज में मैच कर लेता है,
और उसके बाद में क्या होता ना, ये वाला एक रास्ता चला जाता है बरेली के लिए और एक रास्ता हमारा चला जाता है भाई सीधे। ओ भाई देख के करो टर्निंग यार। और एक रास्ता हमारा भाई इधर से सीधा जाएगा लखनऊ वाले रोड की तरफ। तो भाई फाइनली मेरे को क्या करना है भाई, इधर वाले लखनऊ वाले डाइवर्सन से लगा के फटाफट से ना, और इधर से पूरा डाइवर्सन लेके फिर भाई इधर से निकल जाना है। और एक वाला डाइवर्सन लगा के ऐसे करके इधर की साइड में चले जाना, एक पूरा लेके डाइवर्सन इधर वाले पे जाना, तो मेरे को इधर वाले पे चलना है क्योंकि भाई बरेली जाने का तो भाई कोई मतलब ही नहीं है अपने को, बाहर की साइड में निकल जाओ वही फायदा है। ये देखो भाई फिर से भैया जी हमारे आ गए हैं ऑलरेडी। भाई कितनी बार क्रॉस करूंगा, अभी तो भाई फोर्थ गियर में चल रही मेरी बाइक, मैं सोच रहा हूँ कि फिफ्थ गियर को ना लॉन्च करूँ ना करूँ भाई। अभी भाई हमारा रोड है ना बिल्कुल खाली है, अब ठीक है भाई, अब रोड पे ना कहीं भी डाइवर्सन नहीं है। तो भाई भाई को भी ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई ड्यूक के साथ में रेस करते हुए। फाइनली मैं बता दूं कि वैसे तो भाई आपको पता देखो भाई अच्छा लगता है रेसिंग करते हुए, लेकिन भाई मैं ज़्यादा रेसिंग नहीं करता क्योंकि भाई ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को, मैं सिर्फ मैं राइडिंग करता हूँ और राइडिंग मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखो भाई ये हो गई भाई रेस, अभी देखो मेरी स्पीड क्या है, अभी नॉर्मल स्पीड में मैं बाइक को लेकर चल रहा हूँ क्योंकि भाई 115, 120 ये कोई स्पीड थोड़ी होती है भाई, और फिफ्थ गियर पे बाइक चल रही है तो यानी कि अभी 20 की स्पीड तो नॉर्मल मैं बताऊँ तो बची हुई है। तो भाई मैं ना अपनी गाड़ी को ना रॉकेट बनाने वाला हूँ, बट भाई सोच रहा हूँ थोड़ा सा रोड मेरे को खाली मिल जाए उसके बाद मैं ना रॉकेट बनाता हूँ बाइक को। बहुत टाइम हो गया भाई भाई के साथ में करते हुए, भाई भाई को मैंने कहा ड्रॉप भी करो भाई आगे को पीछे निकालो। तो इधर कहाँ से आ रहे थे आप? बिजनौर। अच्छा भाई आपका होम टाउन घर घर वहीं है? हाँ आज नहीं, अभी ये दो तीन दिन लग जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में वीडियो पड़ी हुई है ना पहले की। हाँ बिल्कुल भाई यार, बिल्कुल भाई यार, बस कांटेक्ट है बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं भाई, ले सकते हो 93-69 भाई दोबारा नहीं ज़्यादातर, तो मेरे को समझो इधर ही रहना पड़ेगा, अभी बस जा रहे हैं बाइक का थोड़ा काम है, इसका सर्विस वगैरह भी करवाना है मेरे को और उसके बाद में शोरूम पे जाना है, बाइक भी लेनी है एक, ज़रा सोच रहे हैं 390 ये वाली चेंज करके, तो प्लान बन रहा है अब देखते हैं क्या होता है। आ जाएगा आप कॉल कर दो। आ गया, क्या नाम भाई आपका? मेरा भैया अनुज ठाकुर।
अनुज ठाकुर, ठीक है भाई, मेरा भाई आर्यन ठाकुर। नहीं बिल्कुल यार भाई, कैसी बात कर रहे हो यार ऐसा थोड़ी। ठीक है भाई, मिलते हैं कभी। ओके ब्रो। भाई बिजनौर से थे और भाई ने मेरे को रोका था भाई, और मैंने सोचा था भाई, क्योंकि भाई मेरे को ज़्यादा रेस नहीं करनी थी भाई यार, बहुत देर से मतलब मेरे साथ में चल रहे थे, बट ना भाई रेस कर रहा था ना मैं कर रहा था, बट वो हम लोग मान के चलो कि नॉर्मली बस हम लोग बाइक को राइड कर रहे थे। तो भाई सीन क्या था हमारा, सीन बस सिंपल सा ये था कि हम लोगों को बस एक रूट की तरफ चलना था। तो भाई है ना बरेली में जॉब करते हैं, और मैं बता दूं कि भाई मेरा तो आपको पता ही भाई, मैं कहीं जॉब ही नहीं करता भाई, मैं तो आवारा हूँ इस समय, पूरे दिन मैं फ्री घूमता रहता हूँ। तो भाई देखो भाई अभी क्या करना, इधर से निकल जाना है और भाई फटाफट से पहुँच जाएंगे। एंड मैं बता दूँ कि भाई ये वाला ब्लॉग में ना अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरटेनमेंट आया हो ना, तो भाई वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको मेरे का ये वाला टाइमिंग है ना, कौन सी टाइमिंग आपको बहुत ज़्यादा फेवरेट लगी है, आपको पसंद आई है, तो वो सारी चीज़ें ना मेरे को कहना कमेंट में बताओ। तो भाई अभी क्या है ना, अभी हम लोग बस सीधे से निकल जाएंगे इधर से फरीदपुर के लिए। एंड मैं बता दूँ कि भाई ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एंड भाई सीन तो अभी तो मान के चलो कि भाई मैं पहुँच ही गया हूँ भाई, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे को। लेकिन भाई मैं बता दूं कि भाई जो बंदे मेरे चैनल पर नया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर करके जरूर बताओ कि वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली।